हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं डाउन टू अर्थ में छिपे इस लेख के बारे में, जिसमें लिखा गया है, इसका टाइटल है 2021 तक गरीबी के चरम स्तर पर होंगे 15 करोड़ अतिरिक्त लोग। यह आंकड़ा वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रैल में लगाए गए अनुमान का लगभग दोगुना है। तो इस लेख के बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा, और इससे पहले थोड़ा आइए हम लोग गरीबी को समझ लेते हैं। गरीबी क्या होती है? गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या इसके लिए धन अभाव की स्थिति है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण ओवर पॉपुलेशन है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन। गरीब उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वस्थ और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। इस प्रकार केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबंधन से ही निर्धनता की समस्या समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त होना आवश्यक है जिसे स्वास्थ्य और कुशलता का एक सामान्य स्तर बनाए रखा जा सके। तो ये थी गरीबी की परिभाषा। आइए थोड़ा इसके बारे में विशेष तौर पर जानते हैं। विश्व बैंक द्वारा हर 2 वर्ष में जारी की जाने वाली पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में 8.8 से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी के चरम स्तर पर पहुँच जाएंगे, जबकि अप्रैल 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ पर पहुंच जाएगा। 7 अक्टूबर को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब गरीबी की दर नीचे जाने की जगह बढ़ जाएगी। यह कयास लगाए जा रहे थे कि 2020 में वैश्विक रूप से चरम गरीबी में होने वाली वृद्धि दर घटकर 7.9% रह जाएगी, लेकिन इस नए अनुमान से ये पता चला है कि कोविड-19 महामारी के चलते यह दर 1.3% की वृद्धि के साथ 9.2% हो जाएगी। जहाँ 6 महीने पहले अप्रैल 2020 में वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि चरम रूप से गरीबी की मार झेल रहे लोगों का यह आंकड़ा 4 से 6 करोड़ के बीच होगा, लेकिन इस नई रिपोर्ट से पता चला है कि इसके उससे दोगुने से ज़्यादा रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि इससे अधिकांश लोग उन गरीब देशों के होंगे जो पहले से ही भीषण गरीबी की मार झेल रहे हैं, जबकि मध्यम आय वाले देशों की भी एक अच्छी खासी आबादी गरीबी रेखा से नीचे खिसक जाएगी। अनुमान है कि इसके करीब 82% लोग मध्यम आय वाले देश के होंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार शहरों में बढ़ती आबादी के कारण बड़ी संख्या में लोग चरम गरीबी को झेलने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि दूसरे अधिकांश गांव में रहने वाले लोग अभी भी अत्यधिक गरीब हैं। 2015 से 2016 के बीच करीब 5.2 करोड़ लोग गरीबी से उभर गए थे, तो ऐसा लगा था कि विश्व से जल्दी ही गरीबी की समस्या दूर हो जाएगी। इस अवधि में गरीबी दर में आने वाली कमी प्रतिवर्ष घटकर 0.5% से भी कम हो गई थी, जबकि इससे पहले 1990 से 2015 के दौरान वैश्विक गरीबी में 1% प्रतिवर्ष की दर से कमी आ रही थी। 147 रुपये प्रति दिन पर अपना जीवन बसर कर रहा है दुनिया का हर 10वां इंसान। गौर करने की बात है, पिछले 25 सालों में 1990 से लेकर 2015 में चरम गरीबी की दर में 26% की गिरावट आई। इसके बावजूद ही वैश्विक रूप से गरीबी में जीवन बसर करने वालों की आय के आधार पर बांटे तो दुनिया की 10% आबादी 147.15 रुपये यानी $1.90 प्रतिदिन से कम पर अपना जीवन गुजार रही है। वहीं 1/4 लोग 234.36 रुपये यानी $3.20 और 40% ज़्यादा आबादी करीब 330 करोड़ लोग यानी $402.2 $5.5 प्रतिदिन से कम पर अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में लोगों की औसत आय में गिरावट आई है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब तबके पर पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे ज़्यादा 40% आबादी पर महामारी के कारण आई मंदी का असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से वैश्विक आय में गिरावट आ रही है, उसका असर वैश्विक समृद्धि पर पड़ेगा, जिससे होने वाला विकास 2019 से 2021 के बीच या तो स्थिर हो जाएगा या फिर उसमें भी कमी आ जाएगी। आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2017 के बीच सभी का विकास हुआ था, जिससे अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रही 40% आबादी की आय में भी वृद्धि दर्ज की गई थी। उस अवधि में सबके साझा विकास और उन्नति की बात करें तो इस अवधि में उसकी दर 2.3% थी। ऐसे में विश्व बैंक ने चेताया कि यदि इस संकट से निपटने के लिए उचित नीतियां नहीं बनाई गईं तो इसके चलते आय में आ रही असमानता और वृद्धि हो सकती है, इससे दुनिया भर में अमीर गरीब के बीच की खाई और गहरी हो सकती है। थोड़ा ये हम विश्व बैंक के बारे में बात कर लें। विश्व बैंक है क्या? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, और मूल संगठन का विश्व बैंक समूह ही है। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सहायक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संस्थापक जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्सटर थे। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो इस
सदस्य देशों के वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।